हेलो फ्रेंड्स, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साहित्य पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते थे कब से शुरू हुआ था, सर्वप्रथम किसको जो है साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ था, और लास्ट में जो 2021-22 में 56वां और जो 97 नंबर वाला जो दिया गया था उन्हें किन्हें दिया गया था आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज उसी क्रम में लास्ट है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है इसकी धनराशि पूछा जाता है, तो आप किसी किसी बुकों में देखेंगे 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए दिया जाता है। किसके द्वारा? जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा। ठीक, तो इतना रहा। और सर्वप्रथम कब से दिया जाना शुरू हुआ? तो 1991 से सर्वप्रथम दिया जाने लगा। ठीक, तो उनको हमने इसमें लिखा है। देखिए, 1991 भारत ये जो है सन दिया गया, इधर जो है रचना है और इधर जो है रचनाकार हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए किनको जो है दिया गया था, किनकी रचना है? तो राम विलास शर्मा की है। ठीक, तो दिया गया कब? 1991 प्रथम जो है व्यास पुरस्कार जो है किन्हें दिया गया था? राम विलास शर्मा को। किसके लिए दिया गया था? भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए दिया गया था 1991 में। अंधा युग धर्मवीर भारती की है, इनको दिया गया था। और 1997 में देखेंगे उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं केदारनाथ सिंह की है। ठीक, तो इनको दिया गया था व्यास सम्मान। और इसके बाद देख रहे हैं आवा किसकी है? चित्रा मुदगल की है, इनको दिया गया 2003 में दिया गया था। 2003 में इन तीनों को साथ में याद रखिएगा 1991, 1994 और 1997 में। ठीक, आवा को एक साथ अलग से याद कर लीजिएगा। 2007 में समय सरगम कृष्णा सोबती के है दिया गया था, लेकिन इन्होंने प्राप्त नहीं किया था। ठीक, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि दिया गया था प्राप्त नहीं किए। तो समय सरगम किसका है? इनको किनकी है? कृष्ण सोबती के है, तो व्यास सम्मान पुरस्कार मिला था। 2016 में देखेंगे काटना समी का वृक्ष पद्मुखड़ी की धार से, तो किसकी है? सुरेंद्र वर्मा की है। इसके बाद देखेंगे 2007 में पुरस्कार दिया गया था दुखम सुखम ममता कालिया की है, इनको दिया गया था 2017 में। 2018 में जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जागुड़ी की है, जितने लोग उतने प्रेम इनको दिया गया था। इसके बाद 2019 में कागज की नाव के नसीरा शर्मा की है, इनको दिया गया था कागज की नाव के लिए 2019 में व्यास सम्मान दिया गया था। 2020-2021 करंट रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान देना होगा। पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पवार की है, इनको दिया गया 2020 में। 2021 में महाबली कहानी है, नाटक है, तो इसके लिए दिया गया है किनकी थी? असगर वजाहत की है महाबली 2021 में दिया गया था, ये करंट से है, तो इसलिए इसको आपको याद रखना। पहला रामविलास शर्मा, लास्ट वाला असगर वजाहत को दिया गया था। अब आते हैं कुछ और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार। ठीक, इसको ध्यान देना है। भारत भारती पुरस्कार जो है, एक है भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है, कितने लाख रुपए दिया जाता है? 8 लाख रुपए दिया जाता है। रुपए याद करिएगा आप, कितना दिया जाता है? 8 लाख रुपए दिया जाता है। साहित्य भूषण सम्मान जो होता है, इसमें कितने लाख रुपए दिया जाता है? 2,50,000, मतलब 2.5 लाख रुपए प्राप्त होता है। बाकी इतने जितने हैं सभी में 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो है धनराशि दी जाती है, जो प्रिंस लेकर के इतने जो हैं 5 लाख रुपए धनराशि दी जाती है, तो आपको धनराशि को ध्यान देना है। ठीक, तो ये रहा, बस आपको ध्यान देना है पहला लास्ट वाला, और ये सब देखना कितना लाख रुपए मिलता है। ठीक फ्रेंड्स, तो आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। कल हम लोग देखेंगे हिंदी में जो प्रथम पूछा जाता है, प्रथम गद्यकार कौन है, प्रथम जो है पदकार कौन से हैं हिंदी भाषा में, तो क्वेश्चन वहाँ से भी बनता है। स्टैटिक रिलेटेड से भी या विविध में पूछा जाता है, तो उसको कवर करेंगे। ठीक फ्रेंड, तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में।
तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।